दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की 181 विमेन्स हेल्पलाइन में पिछले 7 सालों में 40 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई हुई है। हमें पिछले 1 साल में 6,30,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव हुए हैं, जिनमें 92,000 केसेस थे और उनमें से 11,000 केसेस दिल्ली से बाहर के थे। दिल्ली महिला आयोग की जो 181 विमेन्स हेल्पलाइन है, जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल सेंटर की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक प्रॉपर ग्राउंड की टीम भी इसको बैक करती है। जैसे ही कोई कॉल रिसीव होती है 181 विमेन हेल्पलाइन पे, उसे सुना जाता है। 24/7 हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि शिफ्ट्स में काम करते हैं, और उन कॉल्स पर तुरंत सुनवाई होती है कि तुरंत एक ग्राउंड की काउंसलर लड़की के पास पहुंचती है। सपोज लड़की ने बताया कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो हमारी टीम वहां पे ऑन द स्पॉट जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके लड़कियों की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसी तरीके से अगर लड़की बताती है कि मेडिकल नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो हमारी टीम हॉस्पिटल जाती है। कई हजार लड़कियों को हमने इस प्रोसेस के द्वारा रेस्क्यू भी करा है सेक्स ट्रैफिकर्स के चंगुल से। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि हम ये आज ये रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बताता है कि दिल्ली में कितना ज्यादा क्राइम हो रहा है। हमारे पास पिछले 1 साल में डोमेस्टिक वायलेंस के 38,342 कॉल्स आई हैं हमारी 181 हेल्पलाइन पर। रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3,647 केसेस आए हैं। रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 5,895 केसेस आए हैं। पॉक्सो के 3,647 केसेस हैं। किडनैपिंग के 4,229 हैं। साइबर क्राइम के 3,558 केसेस हैं। मिसिंग विमेन एज वेल एज चिल्ड्रन के 1,552 केसेस हैं। एंड सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट्स के 3,144 केसेस आए। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जुलाई, अगस्त और मई में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स 181 विमेन्स हेल्पलाइन पे रिसीव होती हैं। हमने ये भी देखा है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, और दिन में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक तो हेल्पलाइन नॉन स्टॉप बजती रहती है। हमने ये भी देखा है कि मैक्सिमम केसेस 21 साल से लेके 40 साल की महिलाओं के द्वारा कंप्लेंट्स, कॉल्स 181 हेल्पलाइन पे करी गई हैं। ये सारी का सारा डेटा हम लोग दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सबमिट करेंगे। मैं बार बार अपील कर रही हूं, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि देश की राजधानी रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह इनफेमस है, क्राइम कैपिटल की तरह इनफेमस है, इसको बदलने की जरूरत है। मेरी हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बिठानी चाहिए, एक मीटिंग बुलानी चाहिए केंद्र सरकार में, यूनियन मिनिस्टर होम के, उनको इस मीटिंग को चेयर करना चाहिए। मीटिंग में एलजी होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, पुलिस कमिश्नर होने चाहिए, और साथ में दिल्ली महिला आयोग होना चाहिए। ये महिलाएं जो 181 विमेन्स हेल्पलाइन पे कॉल कर रही हैं, और रोज 2,000 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, वो चीख रही हैं, वो चिल्ला रही हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये मानती हूं कि सरकारें बिल्कुल चुप बैठी हैं। इसके ऊपर एक्शन होने की जरूरत है, पुलिस की जवाबदेही तय करने की जरूरत है, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कम से कम हम एक मीटिंग ना करें।